मैं हूं साक्षी बडोला आपके साथ। आज की स्पेशल न्यूज रिपोर्ट एनालिसिस में हम बात करेंगे G20 समिट 2023 यानी कि G20 शिखर सम्मेलन 2023। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि आखिर क्या है G20 शिखर सम्मेलन 2023। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20। G20 में दुनिया के 20 बड़ी इकोनॉमिस्ट पार्टिसिपेट करती हैं। G20 का मकसद है विदेशी अर्थव्यवस्थाओं के मुद्दों पर चर्चा करना और कोऑर्डिनेशन करना, जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सन 1999 में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक सरकार के लिए ये फोरम के रूप में बनाया गया था, लेकिन 2008 में ये दुनिया के बड़े लीडरों की एक एनुअल मीटिंग के रूप में शुरू किया गया। G20 में सम्मिलित होने वाले 20 देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, इंडोनेशिया, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। G20 कब और कहां होने वाला है? G20 कोई एक दिन में होने वाला इवेंट नहीं है, बल्कि ये अलग अलग महीनों में अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता है। इसे आयोजित करने वाली कंट्री यानी देश को होस्ट कंट्री कहा जाता है। सौभाग्य से इस वर्ष 2023 में G20 समिट की होस्ट कंट्री है भारत। G20 समिट 2023 की सफलतापूर्वक 3 मीटिंग्स पहले ही भारत में आयोजित की जा चुकी हैं। 4 दिसंबर उदयपुर, 10 से 17 जनवरी पुणे, 27 से 28 फरवरी औरंगाबाद और अब ये फाइनली होने जा रही है मार्च महीने में पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में। G20 समिट में होस्ट कंट्री का क्या रोल है? G20 समिट एक पावरफुल इवेंट माना जाता है। किसी महापुरुष ने कहा है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि भारत होस्ट कंट्री है, इसीलिए इस साल G20 समिट 2023 का एजेंडा भी भारत सेट करेगा। भारत निर्धारित करेगा कि इस साल किन मुद्दों पर चर्चा होगी और उनसे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। भारत की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के हिसाब से भारत G20 समिट में एक अहम स्थान रखता है। भारत दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और इसी के साथ साथ यह तेजी से बढ़ने वाली मेजर कंट्रीज में से एक है। इसी के कारण G20 समिट में भारत एक इम्पोर्टेंट लीडर के तौर पर साबित होता है। होस्ट कंट्री का काम होता है लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, यानी कि लीडर्स को इवेंट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, साइड इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स, इवेंट्स के वेन्यू को डिसाइड करना और सबसे जरूरी चीज, सारे इवेंट को फाइनेंस करना, यानी कि पूरे इवेंट का खर्चा उठाना भी होस्ट कंट्री का काम है। G20 समिट में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? G20 समिट में काफी पावरफुल और एक्सपीरियंस लीडर्स आते हैं। होस्ट कंट्री अपना एजेंडा बताती है और उसके बाद लीडर्स इस पर चर्चा करके अपना समाधान सामने रखते हैं। फिर कंसेंसस यानी कि बाकी के लीडर्स इस पर अपनी सहमति जताते हैं। यहाँ पर हर कोई अपना ओपिनियन सामने रख सकता है। किसी भी एग्रीमेंट पर किसी की डोमिनेंसी नहीं चलती। एग्रीमेंट पक्का हो जाने पर वो कम्यून पर रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि समिट के दौरान हुए डिसीजंस यानी निर्णय और एग्रीमेंट्स की समरी होती है। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, यानी कि इसमें लीडर्स की कमिटमेंट और अकाउंटेबिलिटी रखी जाती है, यानी कि यहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। भारत में होने वाली G20 समिट का क्या विषय है, क्या थीम है? G20 भारत अध्यक्षता का विषय है वसुदेव कुटुंबकम, यानी एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। G20 समिट को भारत का अमृतकाल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसी साल आजादी को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बात की जाए अगर G20 के लोगों के बारे में, तो G20 लोगो 2023 भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद, हरे तथा नीले रंग से प्रेरित है। इसी के साथ भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी ग्रह को प्रस्तुत किया गया है, जो कि चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। G20 समिट क्यों जरूरी है? G20 समिट इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसी के चलते वर्ल्ड के मेजर इकोनॉमिक लीडर्स साथ में आते हैं और इसी समिट के दौरान ग्लोबल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इश्यूज पर भी चर्चा की जाती है। आज की स्पेशल न्यूज रिपोर्ट एनालिसिस में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहे MCVP डिपार्टमेंट चैनल। धन्यवाद।